गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ केशव शर्मा, योर हिंदी टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एजुकेशन को स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने एजुकेशन से जुड़ जाएँ। और जो डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज के जरिए आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं, उन्हें आप पर डे देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने संबंधित अध्यापक से उनको पूछते भी रहें, ताकि उन्हें भी महसूस होता रहे कि कोई प्रॉब्लम हुई हो बच्चों को, तो ये आपको अच्छे से और डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो आइए आज हम क्लास 8th के लिए चैप्टर नंबर 1 ध्वनि जो कि पेज नंबर 117 पर है। तो अपना बुक का पेज नंबर 117 खोलिए और हमारे साथ अपने चैप्टर को लर्न करिए। आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं ध्वनि। तो सभी अपने अपने बुक्स में पेज नंबर 117 खोल ले और शुरू करते हैं पेज नंबर 117 से चैप्टर नंबर 1 ध्वनि शुरू करते हैं, जिसके लेखक हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका एक निकनेम है, निकनेम बोलते हैं दूसरा नाम, इनको क्या बोलते थे, निराला। ठीक है, इनका दूसरा नाम था निराला। तो निराला जी के नाम से ज़्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे, सूर्यकांत त्रिपाठी के बजाय निराला नाम से इनको सभी पब्लिक जानती थी। तो शुरू करते हैं इनके बारे में, कभी क्या कहना चाहता। तो इसमें ये होता है पद्यांश बोल दो, चाहे इसको काव्यांश बोल दो, और एक होता है गद्यांश। तो इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में मैं आपको बताते हैं कि पद्यांश और काव्यांश होते हैं वो कविता रूप में होते हैं, जबकि जो गद्यांश होते हैं वो कहानी रूप में होते हैं। कहानी रूप में मतलब वो लाइन बाई लाइन पंक्ति चलती है, और कविता में क्या है, छोटी छोटी पंक्तियाँ होती हैं। तो आज हम आपको काव्यांश के बारे में या पद्यांश के बारे में आपको बताया। तो इनके कुछ कठिन शब्द हैं जिनको भी आपको पढ़ना है और इनको समझना है। जैसे देखिए कि अभी पहले इसको शुरू करते हैं, उसके बाद में आपको कठिन शब्दों के बारे में भी बताएंगे कि जैसे वन का अर्थ होता है जंगल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, अंत का अर्थ होता है समाप्ति, पात का अर्थ होता है पत्ते, पात यानी होते हैं पत्ते, कोमल का अर्थ होता है मुलायम, गात का अर्थ होता है शरीर, कर का अर्थ होता है हाथ, नेतृत्व का अर्थ होता है नींद में या सोई हुई, प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातःकाल, और मनोहर का अर्थ होता है सुंदर या मन को मोहने वाला। तो ये कुछ कठिन शब्द थे या शब्दार्थ थे जिनको हमने आपको बता दिया है। अब उससे आगे बढ़ते हैं अपने पद्यांश की ओर। तो शुरू करते हैं अपना पद्यांश। कभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे मन में मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, निद्रित कलियों पर जाग एक प्रत्युष मनोहर। तो यह जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है, इसके बारे में हम आपको अब इनके बारे में सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। अब आइए इनकी ओर चलते हैं सहप्रसंग व्याख्या की ओर। तो पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना है। तो शुरू करते हैं हमने संदर्भ एवं प्रसंग की ओर। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, हम जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं जो लिखी हुई हैं, तो ये बोल रहे हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है बसंत, तो हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत से संकलित, संकलित का अर्थ होता है लिखा हुआ या संकलन मतलब इकट्ठा किया हुआ। ठीक है, संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नामक, सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको निराला भी कहते हैं, द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। मतलब कविता का नाम क्या है, ध्वनि। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले, जो उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचक हैं, उनको कड़ा जवाब देते हुए, कड़ा जवाब मतलब एक करारा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने अपने आलोचक जो उनकी बुराई करते हैं उनको करारा जवाब दिया है, और देश की जो युवा पीढ़ी है उसको जगाने का पूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, तो उसकी व्याख्या करते हैं, अब शुरू करते हैं अपने व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा, तो कवि कह रहे हैं कि जो मेरे आलोचक हैं
वो ये समझते हैं कि मेरा कवित्व, मतलब जो मैं कविताएं बनाता हूँ या जो मेरे कविताएं हैं उनका प्रभाव अब कम पड़ चुका है और उनका कभी जीवन अब समाप्त होने वाला है। मतलब वो ये जो बुराई करने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनका अब जो ये कवि जीवन है वह भी समाप्त होने वाला है, तो उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, मतलब प्रत्युत्तर मतलब उनको एक करारा जवाब या उत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाएं और कल्पनाओं रूपी बसंत का आगमन हुआ है। मतलब उनका जो मन में उनका मन रूपी जो उपवन है वन है उनमें भावना और कल्पना रूपी बसंत, मतलब बसंत का होता है बारिश का मौसम, बसंत ऋतु का अर्थ होता है बारिश का मौसम, तो उनके उपवन में कई कल्पनाएं और कल्पनाओं का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, मैंने अभी बताया था आपको कि बसंत का अर्थ होता है वर्षा का मौसम, बसंत ऋतु का अर्थ होता है वर्षा का मौसम। तो कवि कह रहा है जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, तो जब बारिश होगी तो हमारे चारों ओर हरियाली हो जाती है, तो ये मनोरम दृश्य ऐसा लगता है कि पूरा जो प्रकृति है हमारी जो वातावरण है वो संगीत के रूपी गायन कर रहा है, जो हरा हरा चारों ओर हो जाता है हमारे यहाँ तो वो संगीतमय हो जाता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है। तो चारों ओर हमें बदली हुई दिखाई देती है क्योंकि गर्मी के मौसम में एकदम खाली मैदान देखते हैं और सर्दियों के मौसम में चारों ओर बर्फ से जम जाती है, तो बदला हुआ मौसम दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। तो बारिश के मौसम जैसे बारिश के मौसम में प्रकृति में नई उमंग सी उठ जाती है, मतलब चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसी प्रकार कवि के मन में भी आशा और उमंगों का संचार हो उठा है जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है। तो जो कवि की कविताओं के माध्यम से प्रकट हो जाता है जिनका अंत कभी भी संभव नहीं है। तो हम भी जानते हैं कि जो ये कविताएं हैं इनका अंत कभी भी नहीं होगा और इन्हीं चीज़ों को जो अपने निराला जी हैं वो अपने आलोचकों को समझा रहे हैं कि इनका अंत कभी भी नहीं होगा। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेंगे। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वे जो सोए हुए हैं और आलस्य रूपी निद्रा में सोए हुए हैं तो उनको भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेंगे, मतलब उन्हें भी जगाएंगे। जैसे बसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां आदि खिली होती हैं, मतलब कि बसंत ऋतु में सभी मतलब प्रत्येक पेड़ के पत्ते होते हैं वो हरे हो जाते हैं और जो कलियां हैं वो अधखिली रहती हैं और जो डालियां होती हैं वो भी कोमल हो जाती हैं, ठीक है। और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से सजाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। तो क्या कह रहा है कवि, बसंत उन कलियों को मतलब जो बारिश का मौसम है उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से सजाकर सवेरे का आरंभ करता है, मतलब प्रातःकाल का शुभारंभ करता है। उसी प्रकार कभी भी अपनी कविताओं के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं का उत्साह संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा जिसके साथ सुपथ पर अग्रसर हो सके। तो कभी क्या कहना चाह रहा है कि जो सोए हुए जो भी युवा हैं, ठीक है, जो सोए हुए युवा हैं उनमें भी आशा का संचार करेंगे, उनमें उत्साह बढ़ाएंगे और उनके आलस्य को दूर करेंगे और उन्हें सद्मार्ग पर लाएंगे और उनमें एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेंगे, तो जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके, मतलब एक अच्छे पथ पर आगे बढ़ सकें। तो आज हमने ध्वनि के पहला पैराग्राफ जो कि पहले पैराग्राफ की कुछ पंक्तियाँ हैं उनके बारे में हमने आपको कठिन शब्द भी बताए और उनकी व्याख्या भी बताएं और प्रसंग भी बताएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझने में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार देखिए और फिर भी नहीं आती है आपको समझने में तो संबंधित अध्यापक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।
एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।